शेखपुरा की बात करते हैं। जिले के कोसुम्बा औपिक क्षेत्र अंतर्गत पथरेटा गांव में शेखपुरा सदर अस्पताल के निर्देशानुसार साप्ताहिक महिला व बच्चों का टीकाकरण करने गई महिला एएनएम सुशीला देवी से मारपीट का मामला सामने आया है। आज पथरेटा गांव में साप्ताहिक महिला बच्चों को टीका लगाने गई महिला एएनएम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के नेतृत्व में गांव में टीकाकरण चल रहा था कि अचानक वहां रंजीत सिंह का पुत्र गुलशन कुमार आ गया और जबरन महिला एएनएम पर घर जाकर टीका लगाने का दबाव बनाने लगा। बता दें कि इसके बाद महिलाएं एएनएम ने जब इनकार किया कि घर जाकर टीका लगाने की परमिशन नहीं, तो इतने में बदमाश युवक गुलशन कुमार भड़क गया और महिला एएनएम सुशीला देवी उन्हें केंद्र तक पहुंचाने वाले उनके पुत्र के साथ मारपीट और गाली गलौज पर उतारू हो गया। महिला कर्मचारी ने तुरंत वरीय अधिकारी को इसकी सूचना दी और तुरंत करीबी परिजन डॉक्टर रामचंद्र कुमार को बुला लिए। वहीं आंगनवाड़ी सहायिका पूनम कुमारी ने भी गांव के युवक गुलशन कुमार द्वारा बदमाशी करने, महिला एएनएम से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि मरीजों को भगवान माने जाने वाली महिला एएनएम के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार कहाँ तक लाजमी है। टीकाकरण कौन सी का टीकाकरण? बच्चों का, गर्भवती का, महिला लोग को, बच्चा लोग, गर्भवती महिला और बच्चा का। कौन सी का टीका पड़ रहा था? गर्भवती महिला। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? हुआ क्या उसमें? हुआ कि वो बोल रहा था कि घर में चले देने के लिए। कौन बोल रहा था? गुलशन। अच्छा, तो बोले एएनएम दीदी कि मैं घर में जाने का आदेश नहीं है, हमें यही देंगे आंगनबाड़ी पे। एक को देंगे तो सभी को ना देना पड़ेगा घर घर, हमें यही देंगे। तो बोला कि नहीं, कैसे नहीं दीजिएगा, जाना पड़ेगा, जाना होगा, कैसे नहीं जाइएगा, देखते यही रहिएगा, जाने के लिए नहीं जाएंगे। मारपीट लटा गया थोड़ा, गुलशन कुमार लटा गया, मारने उन्हें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाँ पूनम कुमार। पंचायत घटना व पत्रकारिता आंगनबाड़ी केंद्र ऑफिस के आदेशानुसार माइक्रो प्लान के अनुसार वहाँ आर आई करने के लिए हम गए। तो 4 महीना देने के बाद में एक पब्लिक आया, बोला कि हमको घर चल के दीजिए। हमने बोले केवल यहाँ पर है सारी सुविधा, आपको गांव में है आंगनबाड़ी केंद्र पर, यहाँ पर आइए, पड़ जाएगा, हम दे देंगे। तो नहीं, आपको घर चलना होगा। हम बोले घर में हमारा राइट नहीं बनता है, हमारा देश है आंगनबाड़ी तक, घर में क्यों जाए। बोल दिया कि नहीं, कैसे जाइएगा, हम देखे कैसे ले जाते हैं। जो इसी पर हमारे साथ अभद्र व्यवहार होने लगा, बच्चा तो भी बोल दिया कि यहीं पर करेगा भैया, लेकिन किसी का बात नहीं माना, बात नहीं मानते हुए भी गाली गलौज करने लगा हमारे साथ। बोल दिया कि कैसे तुम जाके देख लेते हैं, निकलो तुम यहाँ से। तो प्रशासन को ये सब सूचना दिए थे आप? नहीं, हम तो नहीं दिया। थाना को सूचना दिए थे? नहीं दिया, हम ऑफिस देता है। आप ऑफिस को सूचना दिए? हाँ, ऑफिस को प्रभारी सर को फोन किए तो बोले कि रुकिए, मैनेजर साहब जा रहे हैं, बात था जो पूछी, हम बोल दिए उनको भी कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा, सर हम कैसे निकले, हमको निकलना। मारपीट भी किया था बच्चा को मारने के लिए, हिल गया अंगनवरिया में। हम मेरा ध्यान था उसी के ऊपर, बोले कि भैया यहीं पर दिया जाएगा यहाँ। अच्छा, तो इससे पहले भी आपके साथ घटना किया था? पहले भी भाई उठा के लेके चल गया था 18 में। अच्छा, तो इस बार फिर घटना हुई तो क्या? हम ऑफिस को बोल दिए थे, वो भाई को हम फेंक दिए। आप महिला कर्मचारी हैं, इस तरह से व्यवहार क्या मांग करेंगे? आप महिला कर्मचारी हैं, इस तरह का व्यवहार हुआ आपके साथ, क्या मांग करेंगे आप? हम तो सुरक्षा का मांग करेंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ VHSND टीकाकरण हो रहा था कार्यक्रम, जिसमें एक व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती बोल रहा था कि घर पे चल के सुई दे दीजिए। तो एनम बोले कि ऐसा नियम नहीं है, यहाँ सारे लोग महिला ही हैं और महिला के बीच ही उनको लाइए, यहाँ टीका लगेगा। तो उन्होंने इसी पे गाली गलौज कर दिया, पत्थर चला दिया मारने के लिए और गाड़ी का प्लग लेके भाग गया। एनम घायल? नहीं, चोट है, चोट है। शिकायत कर दिया अधिकारी को, बड़ी सूचना मिल गई है? हाँ, बड़ी अधिकारी को, ये प्रभारी को सूचना मिल गई है, मैनेजर को सूचना मिल गई है। अब विशेष डाटा तो वहाँ मिलेगा आपको।